हेलो दोस्तों, हिप रिप्लेसमेंट की दोस्तों जब भी बारी आती है तो पेशेंट का तो दिल ही बैठ जाता है। वो सोचता है कि जब भगवान की दी कूला नहीं चला तो इंसान का बनाया है कूला भी पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। और फिर गांव वाले लोग भी उनको डरा देते हैं कि भाई ऑपरेशन सक्सेस नहीं होगा, आप ऑपरेशन मत कराओ। और पेशेंट लेट पे लेट करता रहता है, लेकिन जब उसको मेरा चैनल देखने को मिलता है तो समझता है कि एक जगह ऐसी है जहाँ पर इलाज गारंटी से हो रहा है, बार बार आना नहीं पड़ रहा और रिकवरी भी फास्ट हो रही है। आज मेरे साथ लक्ष्मी जी हैं, जिनका एक साइड का ऑपरेशन हमने कुछ महीने पहले किया था और अभी दूसरे साइड का भी रिप्लेसमेंट हुआ है। तो आइए इनकी स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं यूपी प्रतापगढ़। आपको जो हिप की जो दिक्कत थी वो शुरू कैसे हुई थी? सर डिलीवरी के 2 महीने बाद मुझे कोविड हो गया था। हाँ। जिससे दोनों हिप खराब हो गए थे। तो बेटा आपने लक्ष्मी वहाँ पे दिखाया था प्रतापगढ़ में? हाँ, बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट भी लिया था और बात भी किया था। ये हुआ था आगे क्या लाइफ होगा कैसा होगा तो समझ नहीं आ रहा था सर। आपको मेरे बारे में कैसे मालूम? हाँ, फिर एक दिन हम मेरे हस्बैंड तो यूट्यूब चला रहे थे, उसमें देखे पता कि ये कौन से डॉक्टर अच्छे हैं कैसे हैं, तो यहाँ का पता चला। तो फिर आपका वीडियो देखे सर, उन्हें अच्छा लगा, फिर हम यहाँ ले आए। यहाँ से आके करा के गए थे तो 2-3 महीने कैसा एक्सपीरियंस हुआ? एक कूला चेंज करने से फ़र्क पड़ा आपकी लाइफ में? हाँ, बहुत फ़र्क पड़ा था, अच्छा था। क्या क्या अंतर आ गया था आपके? हम चल भी ले रहे थे, अच्छा ठीक ठाक था। पहले बहुत दर्द होता था तो उसके बाद हाँ बिल्कुल ख़त्म हो गया था। ऑपरेशन में जो यहाँ पे जो दर्द है वो कितना होता है? कई लोग ऑपरेशन इस डर से नहीं कराते। ऑपरेशन टाइम तो बिल्कुल नहीं पता चलता है, उसके बाद तो 2 घंटे बाद तो हल्का फुल्का दर्द रहता है, उसके बाद वो भी ठीक हो जाता है। खर्चे के मामले में कैसा है? करोड़ों रुपए लग गए होंगे आपके? नहीं नहीं सर, ऐसा तो नहीं लगा, इतना नहीं लगा। हाँ, पहले जहाँ दिखाते थे तो काफ़ी बताते भी थे और, लेकिन इतना पता नहीं था कैसा होगा आगे लाइफ हो। कई लोग ये बोलते हैं कि जगह कूला बदलाने के लिए तो 10-15 रिश्तेदारों को साथ लेके जाना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि अगर 1-2 जने आए? हाँ, 2 लोग आ जाइए तो भी आराम से आप लेके आइए, आप चले जाइए करा के, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ सारी व्यवस्था भी है, सब कुछ अच्छा से हो जा रहा है। जब आपके कूले खराब हुए तब एक बार तो आपकी होप ही खत्म हो गई होगी कि पता नहीं मैं चल पाऊंगी। हाँ, ये हुआ था तो, लेकिन फिर बाद में फिर लगा नहीं अच्छा है ठीक है, हमने करा लिया है। तो बच्चे थे छोटे तो ये हुआ, उनका कैसा देखभाल करेंगे? तो कितने बच्चे हैं आपके? 2। तो छोटा बच्चा कितने साल का है? 1.5 साल का। उसी की प्रेगनेंसी के वक्त? हाँ हाँ, बस उसी 2 महीने बाद मेरा ये हुआ था खराब। कोई और लेडीज़ हैं जिनका कि कूला ख़राब है तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? डर के मारे सोफे के नीचे छुप गई है कि भाई मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी? नहीं, ऐसा ना करें। आप यहाँ जयपुर एडवांस हॉस्पिटल नवीन शर्मा का हॉस्पिटल में आके आप ऐसा अच्छे से ट्रीटमेंट करवा लीजिए, आप ठीक हो जाइए इस बीमारी से, आप अपने लाइफ अच्छे से इंजॉय कर लीजिए। तो ठीक है बेटा। दोस्तों अगर आप लोगों को भी हिप रिप्लेसमेंट की सलाह दी गई है और आप डर रहे हो कि मैं ऑपरेशन कराऊँ या नहीं कराऊँ, अच्छे रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी से कराऊं, ड्यूअल मोबिलिटी कराऊं, रोबोटिक कराऊं, कंप्यूटर से कराऊं, कोई और आपके मन में डाउट चल रहा है तो नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क करना और हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस।